know about it. I tell you my secret when you tell me yours. It was sent by an old friend of your mother's. He'd like to meet with you. Where? I'm covering a lot of territory. The things that are happening on Earth are happening everywhere. On thousands of planets. क्या कैप्टन मार्वल की मेल क्रिस हेम्सवर्थ साथ देते हुए दिख सकते हैं ब्री लार्सन का, और क्या इस मूवी की स्टोरी में हमें एवेंजर्स एंड गेम के भी कुछ सीन देखने को मिल सकते हैं? हाय एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो बेस्ड है एक अपकमिंग सुपर हीरो एक्शन मूवी यानी कि कैप्टन मार्वल 2 पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैप्टन मार्वल 2 एक ऐसी मूवी होने वाली है जो फैंस को काफी सारे सरप्राइजेस देने वाली है फ्यूचर में, और लगभग हर दिन इस मूवी से जुड़े एक नई थ्योरी फैंस के सामने आ रही है, और इन्हीं थ्योरीज को हम आपके लिए हर दिन इलैबोरेट करके सामने लाते हैं और आपको पूरी तरह से अपडेटेड रखते हैं रिगार्डिंग अपकमिंग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज जो कॉन्सेप्ट हमारे बीच आया है वो है कि मार्वल स्टूडियोज अपने यूनिवर्स को मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर तैयार कर रहा है, और इसी वजह से अब जो कुछ भी इन मूवीज में होगा वो कभी भी बदल दिया जा सकता है, यानी कि एक ही सुपर हीरो को 3 टाइमलाइन में दिखाया जाएगा। और फैंस के लिए ये कॉन्सेप्ट काफी नया और कंफ्यूजिंग तो जरूर होगा, उन्हें मजा भी उतना ही आएगा जब वो डिफरेंट टाइमलाइन के सुपर हीरोज का कोलैबोरेशन एक साथ देखेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मार्वल स्टूडियोज आपकी एक और मच अवेटेड मूवी यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम में ऐसा ही कुछ करने वाला है, और इस वजह से फैंस को 3 डिफरेंट स्पाइडरमैन के एक साथ दिखने वाले हैं, और वो भी बिग स्क्रीन पर। तो ऐसा होने से जरूर चांसेस बन रहे हैं कि कैप्टन मार्वल 2 में भी ऐसा ही कुछ जरूर करेंगे और अपने फैंस को और एंटरटेन करेंगे। अगर हम बात करें कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि क्रिस हेम्सवर्थ और थॉर हमें इस मूवी में दिखने वाले हैं, तो ऐसा होने के चांसेस तो काफी ज्यादा है, क्योंकि जैसा बॉन्ड एवेंजर्स एंड गेम में हमें थॉर और कैप्टन मार्वल के बीच दिखने को मिला था, तो इसी वजह से अब ऐसा जरूर होगा कि इस मूवी में थॉर हमें कैप्टन मार्वल के साथ मिलकर फाइट करते हुए नजर आएंगे, और ऐसा होने से फैंस का इन दोनों एक्टर्स को एक साथ देखने का सपना भी जरूर पूरा हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद ही होगा जब इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी तब हमें बताया गया था कि हो सकता है कि इस मूवी में हमें कुछ एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड सीन्स देखने को मिल सकते हैं, तो अब फाइनली ऐसा होने वाला है, और आयरन मैन भी एक सीन के लिए इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाले हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इस मूवी में हमें मार्वल के टॉप 6 सुपर हीरोज को भी एक साथ देखने का मौका मिलेगा, यानी कि आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और खुद कैप्टन मार्वल। तो ऐसे मल्टी सुपर हीरोज के होने से जरूर इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पर काफी फर्क पड़ेगा और ये मूवी ब्लॉकबस्टर कमाई करी। तो चलिए अब आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप कितने एक्साइटेड हैं इतने सारे सुपर हीरोज को एक साथ देखने के लिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज। तब तक के लिए अलविदा।